नमस्कार बच्चों, आप सभी का 11वीं कक्षा की व्यावसायिक अध्ययन की ऑनलाइन शिक्षा में स्वागत है। आइए आज मैं आपको तृतीय पाठ निजी और सार्वजनिक भूमंडलीय उपक्रम के अंतर्गत निजी और सार्वजनिक उपक्रम से अवगत कराती हूँ। चलिए आइए इसका मिलकर विस्तार से अध्ययन करते हैं। निजी और सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम। बच्चों, हम अपने आसपास अनेक प्रकार के व्यावसायिक संगठनों को देखते हैं। आसपास की छोटी सी किराने की दुकान, रेड़ी पर सब्जी वाला, कपड़े की दुकान इत्यादि, यह सब एकल स्वामित्व का स्वरूप है। तो दूसरी तरफ बड़ी दुकानें जिनका संचालन कोई कंपनी कर रही है, अस्पताल, कानूनी सेवा व अन्य फुटकर संबंधी संस्थाएं जो साझेदारी के रूप में की जा रही हैं, ये सभी व्यावसायिक इकाइयाँ निजी स्वामित्व संगठन हैं। इस प्रकार सरकारी कार्यालय, रेलवे, डाक, तार, सुविधाएं, ये सब सरकारी क्षेत्र की संस्थाएं हैं। अनेक ऐसी इकाइयां भी हैं जो कई देश में अपनी शाखा खोलकर व्यवसाय कर रही हैं, जैसे आप जानते हैं KFC, मैकडॉनल्ड, बर्गर किंग इत्यादि। व्यवसाय के स्वामित्व के आधार पर हम व्यवसायिक संगठनों को तीन क्षेत्रों में बांट सकते हैं, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और इन दोनों का मिला हुआ संयुक्त या मिश्रित क्षेत्र। आप इसे चित्र में ध्यान से देख सकते हैं। निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में अब हम विस्तार से पढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ मिश्रित स्वामित्व वाले भी उद्योग हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था दो क्षेत्रों में वास्तव में विभाजित है, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। निजी क्षेत्र में वह सभी उपक्रम और व्यावसायिक इकाइयाँ शामिल हैं जिनके स्वामी एक या एक से अधिक व्यक्ति होते हैं, जिनका प्रबंध, संचालन, नियंत्रण सभी निजी व्यक्ति करते हैं, जो मुख्य रूप से लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से स्थापित होते हैं। इनके प्रबंध संचालन में सरकार का किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होता, इन पर निजी स्वामित्व होता है। यह निजी उद्योग, व्यवसाय, उपक्रम के नाम से जाने जाते हैं। यह एकल स्वामित्व, साझेदारी, संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय, सहकारी समितियां और कंपनी के रूप में हो सकते हैं। निजी क्षेत्र के मुख्य उपक्रम जैसे टाटा पावर, टेल्को, टिस्को, रिलायंस, पेट्रोल, ये सब इसके अंतर्गत शामिल है। सार्वजनिक क्षेत्र क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र में वह सभी संगठन आते हैं जिनका प्रबंध, संचालन और नियंत्रण सरकार के हाथों में होता है। इन पर आंशिक या पूर्ण रूप से राज्य व केंद्र सरकार का स्वामित्व होता है। ये किसी मंत्रालय के अधीन भी हो सकते हैं, जैसे रेलवे विभाग। इन्हें संसद द्वारा विशेष अधिनियम के द्वारा पारित करके स्थापित किया जाता है। इनका उद्देश्य लोगों को उचित मूल्य पर उचित वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध करवाना है। यह उद्योग सरकार की आर्थिक गतिविधियों का सूचक होती हैं, जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इसके उदाहरण हैं। सरकार अपनी आर्थिक नीतियों में दोनों क्षेत्रों के कार्यक्षेत्रों को परिभाषित करती है। 1948 की औद्योगिक नीति में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के विकास पर बल दिया गया था। 1956 की औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र को काफ़ी महत्व दिया गया और निजी क्षेत्र पर इसकी निर्भरता स्थापित की गई। 1991 की औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश व निजी क्षेत्र को स्वतंत्रता प्रदान की गई, विदेशी निवेश को आमंत्रित किया गया, बहुराष्ट्रीय कंपनियां एवं भूमंडलीय उपक्रम देश में आए और विश्व के विभिन्न देशों में व्यापार संभव हुआ। वर्तमान में निजी, सार्वजनिक और वैश्विक उद्यम इकाइयां देश में अर्थव्यवस्था में कार्यरत हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संगठन के क्या स्वरूप हैं, आइए इस पर दृष्टि डालते हैं। देश के आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भागीदारी एक व्यवस्थित संगठनात्मक ढांचे के रूप में होती है। सार्वजनिक क्षेत्र के निर्माण में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये सार्वजनिक उद्यम वास्तव में सरकार के माध्यम से जनता व सरकारी कर्मचारियों के निर्णय को आर्थिक कार्य रूप प्रदान करते हैं। इन उद्यमों से सरकार संसद के माध्यम से जनता के प्रति जवाबदेही होती है, इसलिए इनमें सर्वजन स्वामित्व के आधार पर जनता के कोषों का ही प्रयोग होता है और एक सार्वजनिक उपक्रम अपनी आंतरिक कार्य की प्रकृति और सरकारी संबंध की आवश्यकता के अनुसार इसलिए तीन प्रकार में बांटा जा सकता है, विभागीय उपक्रम, वैधानिक निगम और सरकारी निगम। इस तरह से आप चित्र में इसका वर्गीकरण देख सकते हैं। विभागीय उपक्रम क्या होता है, चलिए इसे जानने का प्रयास करते हैं। विभागीय उपक्रम यह सार्वजनिक क्षेत्र का परंपरागत व प्राचीन स्वरूप है। वह पूर्णतः सरकारी स्वामित्व
व नियंत्रण के उपक्रम हैं जिनका प्रबंध नियंत्रण संचालन संबंधित मंत्रालय के अधीन होता है। इनकी वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा या संसद में प्रस्तुत की जाती है। उपक्रम की सफलता और असफलता व विस्तार से संबंधित मंत्रालय ही उत्तरदायी होता है। इनका स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व नहीं होता। इसमें कार्यरत व्यक्ति सरकारी कर्मचारी कहलाते हैं। यह उपक्रम राज्य व केंद्र सरकार के अधीन नियमों के तहत स्थापित होता है। उदाहरण के तौर पर हम रेलवे विभाग, डाक तार विभाग, दूरदर्शन, इन सब को इसके अंतर्गत लेते हैं। चलिए अब इनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहली विशेषता है धन और वित्त व्यवस्था। इन उपक्रमों में धन सरकारी खजाने से आता है जिसकी प्रतिवर्ष स्वीकृति सरकार द्वारा होती है व आय भी अर्जित जो होती है वो सरकारी खजाने में जमा होती है। पूर्ण वित्तीय प्रबंध सरकार द्वारा किया जाता है। जनता का इसमें कुछ भी योगदान नहीं होता। अकेंशन अनिवार्य। इनका अकेंशन करवाना अनिवार्य होता है। कर्मचारी, इसमें सरकारी कर्मचारी कार्यरत होते हैं जिनकी भर्ती, सेवा, चयन इत्यादि संबंधी नियम सब सरकार द्वारा तय होती हैं। प्रमुख उपमंडल, यह उपक्रम सरकारी विभाग का प्रमुख उपमंडल होते हैं व संबंधित मंत्रालय के नियंत्रण में होते हैं। प्रबंध व जवाबदेह, यह उपक्रम संबंधित मंत्रालय के प्रति जवाबदेह होते हैं क्योंकि इनका प्रबंध व संचालन सीधे संबंधित मंत्रालय द्वारा ही होता है। चलिए अब इसके लाभ देखते हैं। प्रभावी नियंत्रण, इसका संबंधित मंत्रालय के नियमानुसार सरकारी कर्मचारियों के द्वारा प्रभावी नियंत्रण किया जाता है। निश्चित जवाबदेही, इसमें उच्च स्तर की सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित होती है, जैसे रेल विभाग के लिए रेल मंत्री जिम्मेवार होता है। सरकारी आय, इन उपक्रमों की अर्जित आय पर सरकार का हक होता है, वह सरकारी खजाने में जमा होती है और यह उपक्रम सरकार की आय का स्रोत होते हैं। सुरक्षित उपयुक्त व्यावसायिक स्वरूप, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से यह सबसे उपयुक्त स्वरूप है क्योंकि यह संबंधित मंत्रालय के नियंत्रण और निरीक्षण में होता है। चलिए अब दूसरी ओर इसकी सीमाओं पर भी नज़र डालते हैं। सबसे पहली है लचीलेपन की कमी। इन उपक्रमों में कठोर सरकारी नियमों का पालन करना पड़ता है। संगठन में लचीलेपन का अभाव पाया जाता है। स्वतंत्र निर्णय का अभाव, इससे संबंधित उपक्रम के कर्मचारी व विभाग अध्यक्ष बिना संबंधित मंत्रालय के अनुमति के बिना किसी भी मामले में स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते, जिससे कई बार समय पर निर्णय नहीं हो पाते व उपक्रम लाभकारी अफसरों को खो देता है। अफसरों के लाभ से वंचित, यह उपक्रम व्यावसायिक अफसरों का समय पर लाभ नहीं उठा पाते। अनेक औपचारिकताओं के कारण व रूढ़िवादिताओं के कारण ये उपक्रम जोखिम भरे कार्य भी नहीं करते। लाल फीताशाही, प्रत्येक कार्यों को एक उचित प्रक्रिया और औपचारिकताओं से गुजरना पड़ता है। इसमें लाल फीताशाही का पूर्ण बोलबाला होता है। अंत समय पर कोई परियोजनाएं लागू नहीं हो पाती। राजनीतिक हस्तक्षेप, इन उपक्रमों में सदा राजनीतिक हस्तक्षेप बना रहता है क्योंकि इनके संचालन में संबंधित मंत्रालय का हस्तक्षेप होता है। अपर्याप्त सेवाएं, यह संगठन प्राय उपभोक्ता की आवश्यकताओं के प्रति प्रयत्नशील नहीं होते तथा इनके द्वारा प्रदान सेवाएं भी अपर्याप्त होती हैं। चलिए अब हम वैधानिक निगम की तरफ अपना ध्यान देते हैं। वैधानिक निगम, इन उपक्रमों को सार्वजनिक निगम भी कहा जाता है जिनकी स्थापना संसद के विशेष अधिनियमों के द्वारा की जाती है, जो उद्यमों के कार्यक्षेत्र, अधिकार, कर्मचारियों की शर्तें व विभाग इत्यादि को तय करते हैं। इनमें प्रबंध व संचालन की विधियां, शक्तियों का निर्धारण विधानमंडल द्वारा किया जाता है। यह सरकार द्वारा मनोनीत प्रबंधक और संचालक होते हैं जो इसका संचालन करते हैं। यह निगम निर्गमित उपक्रमों की श्रेणी में आते हैं तथा इनका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। अंत, यह अनुबंध करने, क्रय करने, वाद करने में स्वतंत्र होते हैं। इनकी संपूर्ण पूंजी में सरकार का योगदान होता है तथा ये जनता से ऋण पूंजी भी ले सकते हैं, इसलिए इन निगमों में लचीलापन बना रहता है। उदाहरण के लिए एयर इंडिया, रिजर्व बैंक, भारतीय खाद्य निगम, इंडियन एयरलाइंस, भारतीय जीवन बीमा निगम इसके उदाहरण हैं। विशेषताएं, स्थापना, इन निगमों की स्थापना संसद या विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम द्वारा होती है। इनका संचालन, प्रबंध, अधिकार, उद्देश्य सभी इसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्धारित होते हैं। पूर्णतः सरकारी उपक्रम, यह निगम पूर्ण रूप से सरकार के स्वामित्व में होते हैं। वित्त,
पूंजी विनियोजन, लाभ हानि, संपूर्ण क्रियाएं सरकार के दायित्व में होती हैं। निर्गमित संगठन, यह संगठन निर्गमित संगठन के रूप में होते हैं, इन पर वाद प्रस्तुत किया जा सकता है और यह भी किसी पर वाद प्रस्तुत कर सकती है, यह अनुबंध कर सकते हैं और संपत्तियों को अपने नाम से क्रय विक्रय भी कर सकते हैं। वित्त व्यवस्था, यह निगम जनता से वित्त व्यवस्था प्राप्त करते हैं, सरकार व जनता इन्हें ऋण देती है, वह वस्तुओं के क्रय विक्रय से जो अर्जित आय होती है वो इनकी होती है। सरकारी अकेंशन व बजट से यह संबंधित नहीं, यह निगम संसद में अपने अकेंशन की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, इनका सरकारी विभागों के अकेंशन प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं होता, इनके लिए बजट भी नहीं बनाना पड़ता, इनकी आय व्यय सरकार के वार्षिक बजट में नहीं दिखाई जाती, इनका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। कर्मचारी, इन उपक्रमों के कर्मचारी राज्य व नागरिक सेवा के अधिकारी नहीं होते, यह सरकारी सेवा शर्तें नियम कानून से शासित नहीं होते हैं, इनकी सेवा शर्तें अधिनियम में ही वर्णित होती हैं, इनके मुखिया दूसरे विभागों के अधिकारी भी हो सकते हैं, यह सरकारी कर्मचारी नहीं होते, इनकी नियुक्ति निगमों के नियमों के अनुसार होती है, सेवा की शर्तों का निर्धारण सेवा मंडल द्वारा किया जाता है। चलिए अब इसके लाभ देखते हैं। स्वतंत्र कार्य संचालन, यह निगम अपने कार्य संचालन में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, इनके कार्यों में लचीलापन भी पाया जाता है, यह सरकार के नियम कानून से प्रभावित नहीं होते। दूसरा है सरकारी हस्तक्षेप का अभाव, इन निगमों की धन व्यवस्था केंद्रीय बजट में नहीं होती, यह अपने स्वयं साधनों से पूंजी व आय बनाते हैं, इनकी आय पर सरकार का कोई हक नहीं होता, इसके वित्तीय मामलों में सरकारी हस्तक्षेप नहीं पाया जाता। स्वेता संगठन, यह पारित अधिनियम के अधीन कार्य करते हैं व इसी के अधीन इनकी कार्य प्रक्रिया नीतियां निर्धारित की जाती हैं, विशेष मुद्दों के लिए मंत्रालय से पूर्व अनुमति लेनी होती है। मूल्यवान उपक्रम, वैधानिक निगम देश के आर्थिक विकास के मूल्यवान उपक्रम हैं, इसके पास सरकार के अधिकार और निजी उद्यमों की पहल क्षमता होती है। आइए अब इसकी सीमाओं पर दृष्टि डालते हैं। लचीलेपन का अभाव, वास्तविकता में इन निगमों की कार्यप्रणाली में लचीलेपन का अभाव होता है, प्रत्येक कार्य नियम एवं कानून के अनुसार होते हैं। धन अपव्यय, हर महत्वपूर्ण निर्णयों और कार्यों में भारी धन खर्च होता है व सरकारी व राजनीतिक हस्तक्षेप भी बना रहता है। भ्रष्टाचार, इनका जनता के लेन देन में भ्रष्टाचार व्याप्त होता है। सीमित निर्णय, इन निगमों में सरकार अपने सलाहकार नियुक्त करती रहती है जिससे निगम की अनुबंध और निर्णय स्वतंत्रता का खंडन होता है। मतभेद की स्थिति में सरकार मामलों का प्रतिनिधित्व करने लग जाती है जिससे कार्य में देरी हो जाती है। चलिए अब हम तीसरी श्रेणी के उपक्रमों पर नजर डालते हैं। सरकारी कंपनी, इन कंपनियों की स्थापना भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन होती है। इन कंपनी के अंशों का 51% भाग या इससे ज़्यादा अंश केंद्र या राज्य सरकार के पास होते हैं। इनका पंजीकरण करवाना अनिवार्य होता है क्योंकि ये कंपनी अधिनियम के तहत गठित होते हैं व संचालन भी कंपनी अधिनियम के अनुसार होता है। यह व्यवसाय के उद्देश्य से स्थापित होते हैं व निजी कंपनियों से प्रतियोगिता भी करते हैं। अंश पूंजी का 51% भाग केंद्र या राज्य सरकार के पास मिले जुले रूप में होता है जिसमें सरकारी कंपनियां की सहायक कंपनियों को भी शामिल किया जाता है। अंश सरकार का चुकता अंश पूंजी पर नियंत्रण होता है। सरकार इन अंशों को भारत के राष्ट्रपति के नाम से क्रय करती है। इनका प्रबंध व संचालन भी सरकार द्वारा किया जाता है। चलिए अब इसकी विशेषताएँ देखते हैं। स्थापित संगठन, यह भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत या 2013 के तहत स्थापित संगठन है। दूसरा है अलग वैधानिक अस्तित्व, यह कंपनी अधिनियम के द्वारा पृथक वैधानिक अस्तित्व रखते हैं। ये अपने नाम से संपत्ति का क्रय विक्रय कर सकते हैं, अपने नाम से अनुबंध कर सकते हैं, अन्य पक्ष के विरुद्ध दावा कर सकते हैं व अन्य पक्ष इन पर दावा कर सकते हैं। अनुबंध का आधार, कंपनी किसी भी प्रकार का अपने नाम पर व्यावसायिक अनुबंध कर सकती है, संपत्ति का क्रय विक्रय भी कर सकती है। प्रबंध और संचालन, कंपनी का प्रबंध और संचालन भी कंपनी विधान के प्रावधानों के अनुसार चयनित सरकारी प्रबंधकों व संचालकों के द्वारा होता है। कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति,
सरकारी कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति कंपनी के सीमा नियम और अंतर नियम के प्रावधानों के अनुसार होती है, जो कंपनी के कार्यक्षेत्र और उद्देश्यों को परिभाषित करता है। ये ना तो सरकारी व्यक्ति होते हैं और ना ही निजी व्यक्ति, केवल उच्च प्रबंधक सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्ति हो सकते हैं। अंत कर्मचारियों की नियुक्ति कंपनी की स्वयं के सेवा शर्तों और नियमों के अनुसार होती है। लेखांकन और अकेंचन नियमों से मुक्त, यह कंपनियां लेखांकन और अकेंचन नियमों से मुक्त रहती हैं। इसके लेखा परीक्षक की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। वह इसकी वार्षिक अनुमोदन रिपोर्ट संसद राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत होती है। वित्त व्यवस्था, इसकी वित्त व्यवस्था सरकारी अंशधारी या निजी अंशधारी के द्वारा अंशों को क्रय करके की जाती है। इसकी पूंजी बाजार में भी वित्त व्यवस्था की जाती है। चलिए अब इसके लाभों पर प्रकाश डालते हैं। कंपनी विधान द्वारा गठित, यह सरकारी कंपनी भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के तहत गठित होती है और इसके लिए संसद में अलग से किसी विशेष अधिनियम या प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होती है। पृथक कानूनी अस्तित्व, यह सरकार से अपना अलग अस्तित्व रखती है क्योंकि यह अधिनियम के अनुसार गठित होती है। स्वतंत्र प्रबंध निर्णय, यह कंपनियां स्वतंत्र रूप से लाभ प्राप्ति हेतु व्यावसायिक क्रियाएं करती हैं। प्रबंध के निर्णय भी पूर्ण स्वतंत्र रूप से लिए जाते हैं। वस्तुओं की उपलब्धता, यह कंपनियां अस्वस्थ व्यावसायिक व्यवहार के प्रतियोगिता व अंकुश लगाती है, उचित मूल्य पर उचित वस्तुएं बाजार में उपलब्ध करवाती है। आइए अब इसकी सीमाएं देखते हैं। अपूर्ण स्वतंत्र संचालन, कुछ कंपनियों में सरकार अंशधारक व संचालक के रूप में होती है, इसलिए कंपनी अधिनियम के स्वतंत्र प्रावधानों के भीतर कार्य करना केवल मात्र एक औपचारिकता ही रह जाती है। संवैधानिक उत्तरदायित्व से विमुख, चूंकि यह संसद से अपने कार्य के प्रति जवाबदेह नहीं होती, अंत यह कंपनियां संवैधानिक उत्तरदायित्व से बचने का प्रयास करती हैं। सरकारी वित्त होने पर भी ये कंपनियां संसद में जवाबदेह नहीं होती। सरकारी प्रबंध व प्रशासन, अधिकांश अंश सरकार के हाथों में होने के कारण इन कंपनियों का प्रबंध संचालन सरकार अपने हाथों में ले लेती है। अंत अलग से अधिनियम के तहत गठित होने पर भी सरकार अपना प्रभुत्व बनाए रखती है। परिवर्तन, सरकारी कंपनियों के संचालक प्राय बदलते रहते हैं, वे सभी अपने अपने अनुसार ही नीतियों और नियमों में हेरफेर करते रहते हैं। अंत कंपनी के कार्य प्रणाली में निरंतरता का अभाव पाया जाता है। ये कहाँ उपयुक्त हो सकती है, थोड़ा इस पर भी दृष्टिकोण डालते हैं। सरकारी कंपनियां अपने लाभ और दोषों के बावजूद भी आर्थिक क्रियाओं में बढ़ोतरी वाले क्षेत्रों में आर्थिक क्षेत्र संतुलन विकास हेतु उपयुक्त रहती हैं। चलिए अब हम इनके अंतर पर नज़र डालते हैं कि किस तरह से विभागीय उपक्रम, सार्वजनिक उपक्रम और सरकारी कंपनियां आपस में भिन्न हैं। स्थापना का आधार, विभागीय उपक्रम सरकार द्वारा स्थापित होते हैं, सार्वजनिक उपक्रम विशेष अधिनियम के द्वारा स्थापित होते हैं और सरकारी कंपनियां सरकारी कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत। स्वामित्व के आधार पर यदि अंतर देखें तो विभागीय उपक्रम पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व होता है और सार्वजनिक उपक्रम पर सरकार का भी पूर्ण स्वामित्व होता है, लेकिन सरकारी कंपनी पर 51% या जितने अंश सरकार के नाम के हैं उतने हद तक सरकार का नियंत्रण होता है। प्रबंध व संचालन, विभागीय उपक्रम संबंधित मंत्रालय द्वारा संचालित होते हैं, जबकि सार्वजनिक उपक्रम मनोनीत सरकारी संचालकों द्वारा संचालित होते हैं और सरकारी कंपनियां सरकार व निजी संचालकों द्वारा संचालित होती है। कर्मचारी, विभागीय उपक्रम के कर्मचारी सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी होते हैं, इन्हें सरकारी कर्मचारी कहा जाता है, जबकि सार्वजनिक उपक्रम के जो कर्मचारी होते हैं वो निगम की शर्तों के अनुसार चयनित व्यक्ति होते हैं और सरकारी कंपनियों में जो कर्मचारी हैं वो कंपनी नियमों के अनुसार चुने जाते हैं। अस्तित्व के आधार पर यदि अंतर देखें, विभागीय उपक्रम वैधानिक अस्तित्व नहीं रखता, यानी इसका वैधानिक अस्तित्व नहीं होता, जबकि सार्वजनिक उपक्रम का वैधानिक अस्तित्व होता है और सरकारी कंपनी का भी कंपनी विधान के अनुसार वैधानिक अस्तित्व होता है। पूंजी व्यवस्था, विभागीय उपक्रम की जो पूंजी है वो सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है, जनता का इसमें कोई योगदान नहीं होता, किसी ऋण के रूप में भी जनता इनको पूंजी नहीं प्रदान करती, जबकि सार्वजनिक उपक्रम में अधिकतम पूंजी सरकार की होती है, लेकिन यहाँ पर जनता से वह ऋण ले सकती है।
और सरकारी कंपनियां अधिकतम सरकारी पूंजी से स्थापित होती हैं, लेकिन जनता की इसमें अंश पूंजी भी होती है निजी तौर पर। स्वतंत्रता, विभागीय उपक्रम प्रशासकीय स्वतंत्रता नहीं होती, जबकि सार्वजनिक उपक्रमों में प्रशासकीय स्वतंत्रता सीमित होती है, जबकि सरकारी कंपनियां में प्रशासकीय जो स्वतंत्रता है वो अधिक होती है। उदाहरण के तौर पर यदि अंतर देखें तो विभागीय उपक्रम के अंतर्गत भारतीय रेलवे, दूरदर्शन, डाक, तार विभाग इसके अंतर्गत आते हैं, जबकि सार्वजनिक उपक्रम में जीवन बीमा निगम, रिजर्व बैंक, भारतीय एयरलाइंस ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और कंपनी, सरकारी कंपनी के दृष्टिकोण से देखें तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये सब सरकारी कंपनियों के उदाहरण हैं। चलिए अब सार्वजनिक क्षेत्र की बदलती हुई भूमिका पर विस्तार से नज़र डालते हैं। भारत में अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण आज़ादी के बाद से आरंभ हुआ, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र को दायित्व सौंपा गया कि देश को आधारभूत ढांचा प्रदान करेगा, मूलभूत क्षेत्रों में निवेश करेगा। उस समय निजी क्षेत्र इतना मजबूत व सक्षम नहीं था कि भारी उद्योगों में पूंजी निवेश कर सके। इसी कारण से 1992 में पंचवर्षीय योजनाएं अस्तित्व में आई, जिसमें उद्योगों को, वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों को, अंतरिक्ष व परमाणु परियोजनाओं पर विशेष महत्व दिया गया। परंतु साथ ही साथ उस समय देश जनसंख्या वृद्धि, रक्षा व्यय में वृद्धि, पूंजी निर्माण में कमी, विदेशी स्रोतों पर निर्भरता जैसी आर्थिक समस्याओं से भी जूझ रहा था, तो सार्वजनिक क्षेत्र उस समय कुछ खास प्रगति नहीं कर पाया। 1991 में जब आर्थिक उदारीकरण को अपनाया गया व उद्योगों को अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त किया गया, निजीकरण व वैश्वीकरण पर जोर दिया गया, तो सार्वजनिक क्षेत्र को सक्रिय रूप से निजी क्षेत्रों पर प्रतिस्पर्धा करने पर बल दिया गया। अब घाटे व निवेश के प्रतिफल के लिए क्षेत्र की जवाबदेही भी निश्चित की गई। घाटे की स्थिति में इन उद्योगों में पुनर्निर्माण हेतु औद्योगिक वित्त और पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंप दिया गया, जो इनके पुनर्निर्माण व समाप्ति का निर्णय लेते हैं। अकुशल इकाइयों की कार्यक्षमता की समीक्षा की जाती और उन्हें लाभप्रद बनाने के प्रयास किए गए, जिससे सार्वजनिक क्षेत्रों में कुछ सुधार हुआ। आइए विस्तार से देखते हैं इसकी भूमिका को। सबसे पहला है मूलभूत ढांचे का विकास। स्वतंत्रता के पश्चात देश के मूलभूत ढांचे के विकास पर बल दिया गया, जिसके लिए औद्योगिकीकरण को अपनाने, पर्याप्त परिवहन संचार सुविधाएं जुटाने, ईंधन ऊर्जा की व्यवस्था करने, भारी उद्योगों को विकसित करने को जरूरी समझा गया। उस समय निजी क्षेत्र भारी उद्योगों में निवेश करने में सक्षम नहीं था, प्रशिक्षित कर्मचारियों का भी अभाव था, जो सरकार के योगदान से संभव हो सकता था। इस औद्योगिकरण के संतुलित विकास में रेल, सड़क, समुद्र, वायु परिवहन को भी पूर्ण रूप से विकसित करना था। सरकार को अब सार्वजनिक क्षेत्रों में भारी पूंजी निवेश, जटिल व आधुनिक तकनीक युक्त बड़े उद्योग जैसे स्टील संयंत्र, बिजली उत्पादन, रेल, उड्डयन, पेट्रोल, राज्य व्यापार, कोयला, इन सभी क्षेत्रों को भी विकसित करना व निजी क्षेत्र के कुछ उद्योग जैसे रसायन, खाद, दवा, पेट्रोल रसायन, पेट्रो रसायन, अखबार, कागज, भारी अभियंत्रीय, इंजीनियरिंग इत्यादि को भी गति प्रदान करनी थी। साथ के साथ होटल परियोजनाएं जैसे प्रबंध सलाहकार, एजेंसी, वस्त्र, ऑटोमोबाइल उद्योग को भी विकसित करना था। अंत इन क्षेत्रों में सरकार के योगदान को महत्वपूर्ण समझा गया। अब देखते हैं दूसरा बिंदु, क्षेत्रीय संतुलन। क्षेत्रीय संतुलन विकास करना सरकार का दायित्व है। प्राचीन भारत के व्यापार में केवल बंदरगाही शहर जो थे वो औद्योगिक दृष्टि से विकसित हुए। 1951 की पंचवर्षीय योजनाओं में देश के समुचित क्षेत्रीय विकास हेतु पिछड़े क्षेत्रों को उभारने के लिए सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यम की स्थापना पर बल दिया गया। स्टील व संयंत्रों को पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किया गया, जो रोजगार उपलब्ध कराने व सहायक उद्योगों को विकसित करने का कारण बने। नए उद्योग सरकार द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किए गए ताकि क्षेत्रीय संतुलित विकास हो सके, जो निजी क्षेत्र की उद्योगों को प्रतिस्पर्धा दे सके और उनकी एक अधिकार जो प्रवृत्ति है उस पर लगाम लगा सके। तीसरा बिंदु से हम देखें तो
बड़े पैमाने के लाभ। सरकारी संसाधनों के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र ने भारी पूंजी वाले बड़े पैमाने वाले उद्योगों में निवेश किया, जैसे बिजली संयंत्र, गैस, पेट्रोल, टेलीफोन, इनसे संबंधित सभी उद्योग, जिससे बड़े पैमाने का उत्पादन संभव हुआ और पैमाने के लाभ प्राप्त हुए। आर्थिक शक्ति के केंद्रित होने पर रोक। कुछ समृद्ध व्यक्तियों द्वारा निजी क्षेत्र में भारी उद्योगों में निवेश से एक अधिकार प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है और आय की असमानता भी बढ़ती है, जो सामाजिक दृष्टिकोण से उचित नहीं होती। अंत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से इन भारी उद्योगों की स्थापना अपने ऊपर लेती है और धन व आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण पर रोक लगाती है। आयात प्रतिस्थापन। दूसरी व तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में भारत को कई क्षेत्रों के विकास द्वारा आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया। इसकी पूर्ति हेतु सार्वजनिक क्षेत्र में भारी इंजीनियरिंग उद्योगों की स्थापना की गई, आयात संभव हो सके व विदेशी व्यापार को भी संभव बनाया गया। 1991 से सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र संबंधी नीति क्या थी, इस पर दृष्टिकोण डालते हैं। 1991 में नई औद्योगिक नीति में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के सुधार में स्पष्ट और निश्चित कदम उठाए, जो इस प्रकार हैं। क्षमता की संभावनाओं वाले उपक्रमों, जिन्हें PSU कहा जाता था, को पुनः गठित और पुनः जीवित किया गया। इन्हें पुनः जीवित यदि नहीं किया जा सकता था तो इन्हें बंद करने का निर्णय भी लिया गया। गैर महत्वपूर्ण PSU में सरकार के समता अंशों में भागीदारी को 26% से भी कम किया गया। कर्मचारियों के हितों को पूर्ण संरक्षण प्रदान किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या को घटाकर 17 से 8 कर दिया गया। 1956 की औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र में 17 उद्योग आरक्षित थे, जबकि 1991 में ये केवल 8 रह गए, जो आणविक ऊर्जा, अस्त्र शस्त्र, खनन, संप्रेषण और रेल से संबंधित थे, जबकि 2001 में केवल 3 उद्योग ही सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षित किए गए, जिनमें आणविक ऊर्जा, अस्त्र शस्त्र और रेल परिवहन शामिल थे। अब निजी क्षेत्र के लिए अन्य सभी उद्योग निवेश हेतु उपलब्ध थे। एक तरफ सार्वजनिक क्षेत्र ने अर्थव्यवस्था के विकास में भूमिका निभाई, तो निजी क्षेत्र ने भी राष्ट्र के निर्माण में भूमिका निभाई। ज़रूरत है दोनों क्षेत्रों के आपसी सहयोग की। निजी क्षेत्र को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया और सार्वजनिक क्षेत्र को और अधिक प्रतियोगी बनाया। सार्वजनिक क्षेत्र की चुनिंदा व्यावसायिक इकाइयों के अंशों का विनिवेश। सरकार ने प्रबंधन में सुधार और वित्तीय अनुशासन हेतु सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के समता अंशों को निजी क्षेत्र के व जनता के लिए खोल दिया गया, ताकि अधिक संसाधनों को जुटाया जा सके, जनता की भागीदारी को बढ़ाया जा सके। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इस निजीकरण के मुख्य उद्देश्य थे। कमजोर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को विनियोजित पूंजी अन्य क्षेत्र, जैसे मूलभूत स्वास्थ्य सेवाएं, परिवार कल्याण विभाग, प्राथमिक शिक्षा में उपयोग के लिए प्रस्तुत किया जा सके। दूसरा था सार्वजनिक ऋण व ब्याज के भार को कम किया जा सके, जोखिम को निजी क्षेत्र को हस्तांतरित किया जा सके, कोषों को उपयोगी परियोजनाओं में प्रयोग किया जा सके, सरकारी नियंत्रण से मुक्त करना और निगमित शासन लाना, सार्वजनिक एकाधिकार वाले उद्योग जैसे टेली संप्रेषण में उपभोक्ताओं के योगदान को बढ़ाना, कम मूल्य पर अच्छी वस्तुएं भी उत्पन्न करना। आइए अब बीमार इकाइयों व निजी क्षेत्र के लिए एक समान नीतियों पर दृष्टिकोण डालें। सरकार ने सभी कमजोर और बीमार इकाइयों या घाटे की इकाइयों को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंप दिया। जिन इकाइयों में पुनः सक्रियता या पुनः स्थापना की संभावनाएँ थीं, उन्हें उभारा गया, और जो इकाइयां बंद होने के कगार पर थी, उन्हें बंद कर दिया गया। इनसे प्रभावित कर्मचारियों को राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष के द्वारा पुनः सेवा में लगाने, क्षतिपूर्ति करने, स्थायित्व कार्य देने के प्रयास किए गए। सरकार के पास स्वैच्छिक पृथक्करण ग्रहण योजना व स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना हेतु भी पर्याप्त कोष नहीं थे। अंत बीमार इकाइयों को बंद करने का निर्णय लिया गया। अब समझौते विवरणिका की तरफ दृष्टि डालते हैं।
समझौता विवरणिका प्रणाली द्वारा प्रबंधक को स्वायत्तता प्रदान की जाती है व परिणामों के लिए उत्तरदायी भी ठहराया जाता है। अब सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों के लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया और उनकी जवाबदेही को निश्चित किया गया है। प्रबंधन में पूर्ण स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है ताकि इस क्षेत्र में सुधार संभव हो सके और वो क्षेत्र विकसित हो सके। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि एक ओर जहां देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र एक महत्वपूर्ण आत्मनिर्भर तंत्र है जिसने देश में मूल व भारी उद्योगों को तेजी से व वृद्धि की विकास की दृष्टि से या बेकार इकाइयों को बंद किया, संतुलित क्षेत्रीय विकास को संभव बनाया, रोजगार उपलब्ध कराए, राजकोष में वृद्धि की, विदेशी मुद्रा अर्जित की, धन के केंद्रीकरण को रोका, अनुसंधान व विकास को संभव बनाया, तो दूसरी तरफ दोषपूर्ण योजनाएं, अनावश्यक लागतें, अकुशल प्रबंध व्यवस्था, उचित मूल्य पर वस्तुएं ना उपलब्ध होना, संसाधनों के अभाव या अच्छे कार्य अच्छे संबंधों का ना होना, इन सब के कारण ये इकाइयां बंद होने के कगार पे भी खड़ी हैं। हमारा निजी और सार्वजनिक उपक्रम संबंधी भाग यहीं समाप्त होता है। आशा है आपने इसे ध्यान से सुना होगा और समझा भी होगा और आप इससे लाभान्वित भी हुए होंगे। चलिए अपने ज्ञान को परखने के लिए अब गृह कार्य के रूप में एक प्रश्न कीजिए। सरकार का देश की क्षेत्रीय संतुलन में कैसे योगदान रहता है, इस पर अपने विचार प्रकट कीजिए। धन्यवाद बच्चों।